बिच्छूटी भी बोलते हैं, इसकी बनाई जाएगी चटनी। दोस्तों इसकी बनाई जाएगी चटनी, इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा पुदीना, तो यह है पुदीना, पुदीना भी डाला जाएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुल्लू के इन खूबसूरत वादियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये देवभूमि कुल्लू, सामने पड़ा शीशा माटी और ये पूरा कुल्लू का नज़ारा सुबह का टाइम। दोस्तों हमने एक्सरसाइज कर ली है, हम निकलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों सामने जो तो आप देख रहे हैं गाड़ी मैक्स, ये जाएगी खलाड़ा के लिए मंदिर तक, वहाँ लोगों को छोड़ेगी। सामने शीशा माटी और लगबैली के लिए जाती हुई बस। खलाड़ा जाने के लिए इन गाड़ी, छोटी गाड़ी में जाना पड़ता है, बड़ी गाड़ी के लिए तो अभी जाती नहीं, रास्ता है ख़राब। तो दोस्तों ये हैण, इसको कुक्ष बिच्छूटी भी बोलते हैं, इसकी बनाई जाएगी चटनी। दोस्तों इसकी बनाई जाएगी चटनी, इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा पुदीना, तो ये है पुदीना, पुदीना भी डाला जाएगा इसमें। तो माता जी जा रहे हैं अभी रोपड़ी गांव। तो दोस्तों यहाँ लगी है भाभी जी तैयारी चटनी बनाने के लिए, हैण की यानी कुक्ष या बिच्छूटी भी कह सकते थे। तो माता जी आ रहे रोपड़ी गांव तक। तो नीचे लगा है दोस्तों काम घर का, ये दीपू का, तो अभी छत का काम लगा है इधर। दोस्तों सुबह के वक्त है, मौसम बिल्कुल साफ, हल्के फुल्के बादल पीछे। तो ये है बिच्छू बुट्टी की चटनी, तो इसको लेते हैं मज़ा खाने का। आई बजाय दोपहर का 3:30 और आसमान जो हो चुका है ख़राब, हल्की हल्की बारिश। तो दोस्तों बारिश हो चुकी है शुरू, हल्की हल्की बारिश, फूल और ऊपर पहाड़ों में जो बारिश शुरू हो चुकी है। जा रहा हूँ चाय छोड़ने के लिए दुकान पर, तो चाय लेके चल पड़ा हूँ मैं। ये थर्मोस, तो भी चलते हैं चाय के लिए, अभी रुकी है बारिश, तो निकलते हैं दोस्तों, इससे पहले फिर से बारिश आए। चाय छोड़ कर आता हूँ मैं जल्दी से। ये फूल बहुत ही खूबसूरत है फूल। तो बारिश फिर से हो गई है चालू, देखे थोड़ा तो पहुंच चुका हूँ घर पर। यहाँ बच्चे हैं शरारत कर रहे हैं मीनू के साथ। क्या कर रहे तुम, खेल रेस खाते क्या कर रहे हो जस हैं? जोश इंजेक्शन भी रखते हैं, शर्त कर रहा है।